और शॉर्ट हेड कहां से हो रहा है? कोरोकोइड प्रोसेस। आप स्किप ला, ठीक है, ये हो गए दोनों ओरिजिन। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंसर्शन। इंसर्ट कहां होता है? ये इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे, ठीक है, रेडियल रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे जाके इंसर्ट होता है। और आगे जाके जो ये टेंडन होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का टेंडन होता है, ये आगे जाके एक मतलब बाइसेप्स एपोनोरेसिस फ्लैट टेंडन देता है, मतलब सेपरेट देता है, सेपरेट टेंडन देता है, जिसको बोलते हैं बाइसेप्टल एपोनोरेसिस, जो अल्ना की साइड एक्सटेंड होता है, बाइसेप्टल एपोनोरेसिस। बाइसेप्टल एपोनोरेसिस और एक्सटेंड किधर होता है? एक्सटेंड टू अल्ना, अल्ना की ओर, ठीक है, एक्सटेंड अल्ना की ओर होता है, एक्सटेंड अल्ना की ओर होता है। इंसर्ट देखते हैं रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे, ये यहां पर है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, यहां पर इंसर्ट हो रहा है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, ये है बाइसेप्टल एपोनोरेसिस, एपोनोरेसिस, ठीक है, ये प्लेट अल्ना मीडियल साइड होती है ना, अल्ना, ये अल्ना बोन है, ये रेडियस है, ठीक है, ये अल्ना की ओर एक्सटेंड हो रहा है, ये अल्ना की ओर एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन सी करती है इसको? मस्कुलो कुटानेस नर्व, मस्कुलो मस्कुलोकुटानेस नर्व लेटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है, ठीक है, लेटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस। इसका एक्शन क्या है? ये फ्लेक्चर एल्बो, एल्बो जोन को फ्लेक्चर करवाता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट फ्लेक्चर, एल्बो फ्लेक्चर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकाई का, शॉर्ट हेड फ्लेक्चर करवाता है आर्म को, फ्लेक्चर आप आर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड प्रिवेंट रोकता है, प्रिवेंट्स अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये देखिए लॉन्ग हेड है जो प्रिवेंट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमरस, ये क्या है, ये देखिए ना, जो लॉन्ग हेड है वो यहाँ पर दोनों ग्रेसर ट्यूब्रिकल और ग्रेटर ट्यूब्रिकल दोनों के बीच से होके निकल रहा है, तो ह्यूमरस को डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होने देगा, ये यहाँ से होके निकल रहा है, ओरिजिन हो रहा है, तो ये ह्यूमरस को डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देगा, इसके बीच से होके निकल रहा है, ठीक है। क्लिनिकल देखते हैं इसकी, मस्कुलोकुटानेस नर्व अगर डैमेज होती है तो एक्सटेंड इट द एल्बो, एक्सटेंड द एल्बो एक्सटेंड नहीं होगा,
extend at the elbow. Extend the elbow. Normal reflex. Normal reflex is jerk. Like flexion. Up. Elbow joint. ठीक है, ये था पूरा हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई, हमने सिक्स पॉइंट में पूरा कवर करा, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई, एक्शन, क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ओवर लेफ्ट बाय पेक्टोरिस मेजर एंड डेल्टोइड, जो दोनों मसल्स होती है ये इसको ढक के रखती है ऊपर की साइड। ठीक है, एल्बो, ये इसका जो टेंडन होता है बाइसेप्स ब्रेकाई का, वो एल्बो जो इनके फ्रंट में आ जाता है। ठीक है, ओरिजिन देखते हैं, इसके टू हेड होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड। ये शॉर्ट हेड अराइज कहाँ से होता है, क्रोकेट पोसेस ऑफ विस्कुला से होता है। जो लॉन्ग हेड होता है वो अराइज कहाँ से होता है, सुप्राग्लैंडर ट्यूब्रिकल से होता है। ठीक है, इंसर्ट कहाँ होता है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे इंसर्ट होता है, रेडियल साइड, रेडियल बोन पे होता है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी वहां पर दोनों हेड जाके इंसर्ट होते हैं। और जो बाइसेपेटल बाइसेप्स ब्रेकाई का जो टेंडन है वो एक फ्लैट टेंडन देता है, जिसको बाइसेप्टल एपोनोरिसिस बोलते हैं, जिसको कुबाइटल फोसा के अंदर पड़ेंगे हम। ठीक है, कुबाइटल फोसा के कंटेन में पड़ेंगे, उसको कुबाइटल फोसा के कंटेन को याद करने की ट्रिक है MBTR, मीडियल लेटरल, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, बाइसेप्स ऑफ टेंडन, ये एपोनोरिसिस टेंडन यही है, और रेडियल नर्व। ठीक है, ये कुबाइटल फोसा का कंटेन यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। नर्व सप्लाई मस्कुलोकुटानस नर्व, जो लेटरल कोड ब्रेकियल फ्लेक्सिस का हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लेटरल कोड की ब्रांच है। ठीक है, मस्कुलोकुटानस नर्व और ब्रेके बाइसेप्स ब्रेकियाई का एक्शन क्या है, एल्बो को फ्लेक्सर करवाती हैं, जो शॉर्ट हेड है वो भी फ्लेक्सर आप आर्म को फ्लेक्सर करवाता है, और लॉन्ग हेड डिस्प्लेसमेंट रोकता है ह्यूमरस के हेड का, जो ह्यूमरस का हेड होता है उसके डिस्प्लेसमेंट को रोकता है। रोकने का कारण क्या है, क्योंकि जो ह्यूमरस बोन पे ग्रेटर ट्यूब्रिकल्स और लेसर ट्यूब्रिकल्स और ग्रेटर ट्यूब्रिकल्स होता है, उनके बीच से ओरिजिन होता है। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, एक्सटेंडेड द एल्बो, एल्बो एक्सटेंड नहीं होगा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन जर्क लाइक फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, हम नॉर्मली फ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं एल्बो जॉइंट को, तो नॉर्मली नहीं हो पाएगा अगर मस्कुलर कुटानस नर्व में कोई भी डैमेज हुआ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट।